सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए होंडा यूनिकॉर्न BS3 मॉडल है ये। और भाई इसका आप मीटर देख सकते हैं, क्या खूबसूरत मीटर है यहाँ पे, RPM मीटर, यहाँ पे स्पीडो मीटर और यहाँ पे फ्यूल मीटर दिया गया है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेटर दिख जाता है। तो भाई ये क्लोज टू 10,000 RPM हिट कर दे रही है। और भाई होंडा है तो बात ही अलग है, आप जानते ही हैं। तो चलिए इसको भगाते हैं और देखते हैं कि भाई ये कितने टॉप स्पीड अचीव करती है। और भाई इसका टैंक देख सकते हैं कितना बड़ा है भाई, मतलब करीब करीब 30 लीटर का टैंक है और क्या ही कहा जाए, कमाल की है भाई। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अगर इस बाइक के इंजन की बात कर ली जाए तो इसमें करीब करीब 13.3 PS की पावर जनरेट करती है ये एट द रेट 8,500 RPM पे, और 12.8 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क में देखने को मिल जाता है। और अगर इस बाइक की वेट की बात की जाए तो ये करीब 146 किलो के कब वेट के साथ आती थी। तो पावर टू वेट रेशियो देखा जाए तो ओके है, बहुत मतलब अच्छा भी नहीं है, आप बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते हैं, ओके है। पावर आपको इस बाइक में 6,000 RPM के ऊपर जैसे ही ये बाइक जाती है तो मतलब एकदम झटके से आपको पावर महसूस होती है, मतलब तब इसकी पावर जो है वो किक इन करती है। और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और रियर में भाई मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तो भाई आज से मतलब लिटरली 15-16 साल पहले भी मोनोशॉक सस्पेंशन 150 cc बाइक में भाई होंडा जानते ही हमेशा भाई एडवांस टेक्नोलॉजी देता है अपने बाइक्स में, तो क्या ही कहा जाए, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। चलिए आप लोग ने कहा ये क्लोज टू 120 मतलब चली जा रही है। और होप करता हूँ भाई वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।